हमारी कहानी का शीर्षक है दीपक के तले अंधेरा। एक सुबह अकबर बिरबल दोनों महल के झरोके में बैठे सूर्य उदय का नजारा देख रहे थे। सूरज की किरणें यमुना नदी के पानी में पड़कर उसे सुनहरी रंगत प्रदान कर रही थी। अचानक चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें सुनकर दोनों का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा तो पाया कि कुछ लुटेरे राहगीरों को लूट कर भाग रहे थे। असहाय राहगीर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। बादशाह व बिरबल दोनों हैरान थे कि महल के ठीक सामने लुटेरे दिन दहाड़े ऐसा करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। बादशाह ने जब तक अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरों को पकड़े, तब तक चोर 9-2-11 हो चुके थे। सैनिक खाली हाथ ही वापस लौट आए। सैनिकों को खाली हाथ लौटता देख बादशाह को गुस्सा आ गया। उनके लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती थी कि राहगीरों को सरेआम लूटने वाले लुटेरे उनके सैनिकों को चकमा देकर भाग निकले थे, वह भी उनके महल के ठीक सामने से। बादशाह इस घटना से बेहद खफा थे। वे बिरबल से बोले, यह सब हमारे प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है, क्या यह शर्म की बात नहीं है? एक आम आदमी राजमहल के सामने बादशाह की मौजूदगी में लूट जाता है और बादशाह कुछ नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? बिरबल बोले, हुजूर, दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा ही रहता है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बिरबल का उत्तर सुनकर बादशाह का मन खिल उठा। उन्होंने लूटे गए राहगीरों के नुकसान की भरपाई कर दी और उनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी सावधान रहने का आदेश दिया। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।